आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मंगल ग्रह के कुछ अनसुलझे और अद्भुत तथ्य। हाल ही में एलोन मस्क ने अंतरिक्ष में एक कार भेजकर एक नई सफलता पाई है। ऐसे ही कई वैज्ञानिक वर्षों से दुनिया भर में काफी सारे रोवर्स और रॉकेट्स भेजे हैं, जैसे कि क्रियोसिटी रोवर। जरा आप भी सोचिए, कोई मिल गया वाला जादू आज भी होता तो कितना अच्छा होता। आपको कभी न कभी ऐसा मन में ख्याल आया होगा कि दूर इन तारों में कोई रहता होगा, मतलब क्या धरती ही है जहाँ जीवन संभव है? क्या वो एलियंस हमारे साथ रह पाएंगे या फिर वो हमें मार देंगे? फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि मंगल ग्रह की कुछ ताजा तरीन खबरें, जो कि आप देखकर हैरान रह जाओगे, और एक ऐसा सबूत जिस पर से आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। ये सारे सबूतों की बदौलत आज भी मंगल ग्रह के रहस्य सुलझाने के बदले और भी गंभीर होते जा रहे हैं। सितंबर 2012, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर अपनी खोज के दौरान मार्स की कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि क्यूरियोसिटी रोवर में कुल 17 कैमरे लगे हुए हैं, जो कि लगातार सैकड़ों तस्वीरें लेकर ऑनलाइन पब्लिश कर रहा था, जिसमें एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें वो इंसान उस रोवर में कुछ छेड़छाड़ करते नजर आया। इस फोटोज ने नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ दुनिया भर में खलबली मचा दी थी और जल्द ही ये तस्वीरें मिस्ट्रीज तस्वीरों के नाम से वायरल हो गया। आपको क्या लगता है, क्या मंगल ग्रह पर पहले से ही कोई रहता है? अगर नहीं तो क्या है जो ये रोवर से ठीक बाहर खड़ा दिख रहा है? नासा ने अभी तक इस तस्वीर पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। क्या नासा पहले से ही मंगल पर मौजूद है? आपका कमेंट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मंगल की सतह पर बड़े बड़े कटक और घाटियां भी मौजूद है। दोस्तों, सैटेलाइट की मदद से द्वीप भी दिखाई पड़ते हैं, वहाँ नदी तल भी दिखाई पड़ते हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों से सूखे पड़े हैं। मंगल की सतह पर से ये पता चलता है कि वहाँ पर अतीत में वायुमंडल और महासागर दोनों ही रहे होंगे। अमेरिका द्वारा भेजे वाईकेन्स यान पर से पता चला कि कभी मंगल ग्रह पर कभी महासागर हुआ करते थे। यहाँ तक कि मंगल के वायुमंडल में बर्फ के बादल, कार्बन डाइऑक्साइड और लाल रंग की धूल है। फिर भी यह सब इतनी मात्रा में नहीं है जो कि सूर्य की ऊष्मा को कैद कर सके, इसलिए मंगल एक बहुत ठंडा ग्रह है। आइए जानते हैं इन कुछ तस्वीरों के माध्यम से। नंबर 1 पर है स्टेचू ऑफ गॉड। नंबर 2 पर आता है स्टेचू ऑफ वुमन्स। नंबर 3 पर जो आप देख रहे हैं डायनासोर बोन्स। नंबर 4 पर आता है फेस ऑफ मार्स। इन तस्वीरों से कुछ आकलन किया जा सकता है कि पिछले दशकों में मंगल ग्रह पर जीवन संभव था। मंगल ग्रह पर पानी के लिक्विड रूप देखने को अभी तक नहीं मिले हैं। मंगल ग्रह पर हवा नहीं है, लेकिन अब आप कहेंगे कि वहां हवा मौजूद है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मंगल की सतह पर हवा का दबाव है और पृथ्वी पर समुद्र की सतहों पर हवा का दबाव है। इस तरह मंगल का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से अलग है। आपको बता दें कि मंगल ग्रह में लोहे की भरमार है, जिससे ये ग्रह लाल दिखाई पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2030 तक जब इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे तो वहां कैसे रहेंगे? तो आपको बता दूं कि जो भी लोग वहां जाएंगे उन्हें 24 आवर्स कांच से ढके एक पात्र में ही रहना पड़ेगा। मंगल के वातावरण को पृथ्वी के अनुकूल बनना असंभव है। आपको बता दें कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी एक्स के मालिक एलन मस्क और नासा मंगल पर बस्ती बसाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं मंगल पर बस्ती बसाने में कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना आज भी एक रहस्यपूर्ण बातें हैं। इस टॉपिक में आने वाले और भी वीडियोस मेरे चैनल रहस्य ट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप नए व्यूअर्स हैं तो आपको बता दें कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस करें, ताकि आने वाले और भी अपडेट्स आपको आसानी से मिल सके। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।